Reality, no anything. Very interesting.
यहाँ पे जस्ट लुक हियर प्लीज. मैम यहाँ पे One more.
चलती रही कि यार इंद्र शेखर होना चाहिए, होना चाहिए। इस
देश में 35 साल पहले से हर क्षेत्र से जुड़ा हुआ कलाकार यहाँ फाउंटेन में हो या जैसे में हो या जहांगीर आर्ट गैलरी में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के एग्जीबिशन में हो, हर वक्त ये डिमांड करते आए कि रीजनल सेंटर होना चाहिए। मित्र हो, 22 तारीख को शपथ लेने के बाद गए हफ्ते में मैं मिनिस्टर को मिला, ये पुराने सब निवेदन उनको दे दिए और उनको ये बात समझ में आ गई कि अभी ललित कला एकेडमी की रीजनल ब्रांच महाराष्ट्र में जल्दी से जल्दी चालू करनी चाहिए। और ये अनाउंस करने के लिए उन्होंने मुझे कहा कि आप कला क्षेत्र में इसका अनाउंस करिए कि आने वाले सर्टेन टाइम में एक महीने भर के अंदर हम इस क्षेत्र की पायाभरनी करेंगे, भूमि पूजन करेंगे। ये विषय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पास हमने रखा है, एजुकेशन मिनिस्टर के साथ रखा है। तो दोस्तों, एक आने वाला एक बहुत बड़ा ऐसा संकुलन जहाँ हमारी रैली की व्यवस्था होगी, आने वाले कल युवा पीढ़ी के नए चित्रकार शिल्पकारों को अपने अध्ययन वहाँ नेशनल स्कॉलरशिप जैसे प्रोजेक्ट की और कई और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार की सुविधा होगी। ऐसा एक क्षेत्र हमें यहाँ पर निर्माण करना है। केवल वहाँ से मैं अध्यक्ष के रूप में आपको केवल ये नहीं कहूँगा कि मैंने आदेश दिया, बात खत्म हो गई। इसके आगे ये होने तक मैं जुड़ा रहूँगा और टाइम टाइम पे जे स्कूल ऑफ आर्ट से जैसे यहाँ वहाँ के डीन है, सावरे सर है, हमारे शिल्पकला के प्रोफेसर है और सभी लोग प्रभाकर जैसे चित्रकार हैं, आप जो जमा हो गए हमारे सब के अंदर एक भावना है कि हमें एक टुगेदर एक विचार विमर्श करने के लिए एक व्यासपीठ चाहिए और वो आने वाली ललित कला एकेडमी के रीजनल सेंटर से पूरा होगा। और ये आपके सामने अनाउंस करते वक्त मुझे बहुत खुशी हो गई, मेरे दो शब्द आपने सुने, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, नमस्कार करता हूँ। प्रभाकर को बहुत बड़ी हमारी तरफ से हम कामना देते हैं कि ये पहले बार उन्होंने इतना बड़ा साइज और इतना डेप्थफुल वर्क वगैरह दे दिया है प्रभाकर को, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ, गैलरी को धन्यवाद देता हूँ और मेरे साथ में जो हमारे सभी गेस्ट हैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ, सबको धन्यवाद देता हूँ। कंग्रेचुलेशंस, आप बहुत सब कहते होंगे, हमेशा से कहा है और आप बहुत बहुत टैलेंटेड हैं और इतनी खूबसूरत। आई जस्ट विश यू ऑल द बेस्ट एंड रियली इट्स आई रियली फील लाइक आई एम इन, ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में टैलेंट नहीं है, बट आपका जो इन्फ्लुएंस है उसमें सिर्फ हिंदुस्तानी नहीं, एक जो क्रिएशन है इट्स वेरी इंटरनेशनल, लाइक इट कुड जस्ट बी पार्ट ऑफ अ न्यूयॉर्क एग्जिबिशन और समथिंग इन यूरोप, इट्स वेरी इंटरनेशनल। तो आपकी जो बनारस जहाँ से आप हैं करेक्ट, उसकी झलक भी है, मतलब साधु भी हैं जो आपने क्रिएट किए हैं पूरा जूड़ा बांध के और वो दाढ़ी वगैरह, लेकिन बाकी जितने भी स्कल्पचर्स हैं उसमें एक यूरोपियन फीचर भी है आपके स्कल्पचर्स में, एंड वेरी इंटरेस्टिंग। मेरा फेवरेट तो वो पोएट है जो क्रिएशन है, बाकी जो भी मतलब एक ह्यूमर भी है इन वन ऑफ द पोर्ट्रेट्स, ही जो दिमाग में चल रहा है पोर्ट्रेट, जो भी उन्होंने स्कल्पचर क्रिएट किया है एक लेडी का, तो दिमाग में जो कल चल रहा है वो उन्होंने दिखाया है, डिपिक्ट किया है विथ आइटम्स, एक के दिमाग में बर्तन है तो जो वो बजाती है दूसरों के सर पे भी, एंड नो बट देयर इज अ सर्टेन ह्यूमर इन इट एंड पोएट के गोल्डन बॉल्स एंड ऑल ऑफ दैट, सो इट्स वेरी नाइस, आई लव्ड इट। बिल्कुल, इन्होंने काफ़ी अच्छा कहा आर्ट वर्क के बारे में और इन्होंने काफ़ी समय दिया। सबसे पहले इनको थैंक यू मेरी तरफ से, आपने इतना टाइम दिया हमारे लिए। मेरी ज़िंदगी का ये एक शौक था कि महिमा जी आएँ हमारे शो में, ये लोग आएँ और शो को देखें और इन लोगों तक जाए ये आर्ट, हमारी आर्ट आज चली गई, आज हम बहुत खुश हैं। थैंक यू। डू यू लाइक टू ऐड समथिंग? नो, थैंक यू।